हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि वन लाइनर होगा। जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री है, जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और आप इस चैनल पे इस तरीके की वीडियो आप देखते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब ये वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल का सदस्यता ग्रहण करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करें और चलिए, आपका ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और टॉपिकों को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जो कि ऑडियो के रूप में इसे सुनना चाहते हैं। आप हेडफोन लगाकर कहीं भी रहिए, कभी भी रहिए, ऑडियो के रूप में इस क्वेश्चन को सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? सभी राज्यों का, सभी राज्यों का। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर मैं बताऊंगा, इसका आंसर तीन है। यदि आपके एग्जाम में जो भी इसमें से ऑप्शन होगा उसको आप देखकर टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो तीनों जो ऑप्शन मैं बताऊंगा तीनों करेक्ट है, तो आप जरूर ध्यान से समझिएगा। पहला है कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, कोच का प्रशिक्षण देने के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय टीमों को, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए। एंड तीसरा है खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? चेन्नई, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई? ग्वालियर 1957, ग्वालियर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? पीएम जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया?
क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? 1932 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जनके एम करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर दुराबाजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? थ्री जून 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी डी सोंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? एट वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1951। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? नाइनटीन फोर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1954। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 1945।